हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस बुक के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, ये हमारी होने वाली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, RS अग्रवाल की हमारी बुक होने वाली है। और ये बुक स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाली है जो इंग्लिश मीडियम से है। अक्सर देखा गया है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जब कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए। ज़्यादातर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक है वो आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं आज एक ऐसी बुक लेकर आया हूँ जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश में होने वाली है। RS अग्रवाल की ये बुक जो है हमारी होने वाली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, मैथमेटिक्स की। बात करें कौन सी एग्ज़ाम के लिए ये बुक होने वाली है, तो ये स्पेशली जो बैंक की एग्ज़ाम्स होती हैं, बैंकिंग की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, उनके लिए ये बुक जो है होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार का इसका कंटेंट है, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है और कैसे आप इसको परचेज कर सकते हो। इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये है अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, RS अग्रवाल की, डॉक्टर RS अग्रवाल की ये बुक है। और ये बुक उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी बुक जो है इंग्लिश में है, ठीक है। रिवाइज एडिशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फुल्ली सोल्ड ये जो बुक है होने वाली है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन जो है उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिलेगा। कौन कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए आप इस बुक को आप काम में ले सकते हो, यूज़फुल रहेगी आपके लिए, बैंक PO, SBI PO, IBPS, RBI एग्ज़ाम, इस तरह के तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और उनके सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बैक साइड की यदि मैं बात करूँ तो बुक में बैक साइड में आपको कुछ अदर बुक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको मिल जाएगी, साथ ही में तर्क शक्ति परीक्षण, यानी कि वही रीजनिंग हिंदी में आपको मिल जाएगी, वर्बल रीजनिंग आपको हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और नवीन अंक गणित जैसी तमाम पुस्तकें यहाँ पर जो है यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको इसका प्राइस टैग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि 749 में आप ये बुक जो है प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी हैवी बुक है, काफ़ी मोटी बुक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट बुक है। क्यों है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड पेज पे आपको बताया गया है कि आपको इस बुक के साथ में 200 रुपये का एक वाउचर आपको मिलता है। उस वाउचर की सहायता से आप टेस्ट बुक जो ऐप है उसको एक्सेस कर सकते हो। 21 दिन के लिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। किस तरीके से आप उसको अवेल करोगे ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। QR कोड आप स्कैन करोगे तो आप ये एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करना है और ये प्रोमो कोड यहाँ पर आप स्क्रैच करोगे तो आपको प्रोमो कोड जो है वो मिल जाएगा। उसको अप्लाई करते ही आपके लिए जो 200 रुपये का वाउचर है वो अप्लाई हो जाएगा और आप 21 दिन के लिए टेस्ट बुक जो ऐप है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर हमको मिलती है कंटेंट, यानी कि विषय सूची हमको मिलती है, टेबल ऑफ कंटेंट हमको मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ बुक। क्या क्या साइलेंट फीचर है? ए होल लोट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पूरी की पूरी जो किताब है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे, साथ ही में उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा शॉर्टकट मेथड के द्वारा। फुल कवरेज ऑफ एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक का जो है फुल कवरेज आपको इस बुक में देखने को मिलेगा और वो भी एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। हर एक चैप्टर के बिगनिंग में जो है आपको एग्जाम्पल सोल्ड एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डाटा सफिशियंसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए सेपरेट एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा डाटा जो इंटरप्रिटेशन जो होता है उसके लिए भी आपको अलग से सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट ईयर के होने वाले हैं और जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। कंटेंट की यदि मैं बात करूँ तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के
सभी जो चैप्टर्स हैं वो आपको इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम हो, HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, तो तमाम जो आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो आपके क्वेश्चंस हो, जो टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको इसमें आपको इंक्लूड किए गए हैं, कवर किए गए हैं इसमें, आप देख सकते हो। साथ ही में डाटा इंटरप्रिटेशन जो है उसमें आपको यहाँ पर एक सेपरेट सेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टेबुलेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अर्थमेटिक एबिलिटी जो है दो सेक्शन में इस बुक को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट अर्थमेटिक एबिलिटी और सेकंड जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट सेक्शन में आपको सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर सिस्टम आपको चैप्टर मिलेगा। इसमें आपको पहले तो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है हर एक चैप्टर के शुरुआत में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सभी चीज़ें जो हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, उनकी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होती है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, नंबर्स जो है उनको किस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, इंटीजर को, प्राइम को, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि हर एक चैप्टर के शुरुआत में आपको जो हर जो प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको सोल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, ईच टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन सभी के सोल्व एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको सोल्व एग्जाम्पल जो है हर एक चैप्टर के शुरुआत में आपको सोल्व एग्जाम्पल की सहायता से जो चैप्टर है उसको समझाने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हो। और काफी अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी सोल्ड एग्जाम्पल्स के बाद में, और ये सोल्ड एग्जाम्पल ईच टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हर एक डाउट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इस बुक में इंग्लिश में ये बुक होने वाली है। साथ ही में आपको जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, और उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे कि क्लैट 2010 में पूछा गया, आरआरबी 2006 में पूछा गया, एमबीए 2005 में पूछा गया। तो तमाम जो एग्जाम्स में जो भी आपके जो क्वेश्चन रहे हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप देख सकते हो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वेश्चंस जो हैं उनके मतलब जो तादाद है आप कह सकते हो, उनकी जो संख्या है वो भी यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको हर एक जो चैप्टर है उसमें उसकी जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर के एंड में आपको यहाँ पर इसकी आंसर की मिल जाएगी, और आंसर की के बाद में ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आंसर की ही मिलेगी, आंसर की के बाद में आपको यहाँ पर उन हर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर में आपको इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, फिर आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में आंसर की मिलेगी, और उन तमाम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके आपको यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप हर एक जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के, उनको आप कवर कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके अलावा जैसे मैं अभी दूसरे सेक्शन की यदि हम बात करें, सेकंड जो सेक्शन है इसका डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसकी यदि बात करें तो यहाँ पर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। टेबुलेशन, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन में फर्स्ट चैप्टर है टेबुलेशन, तो आपको टेबुलेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर बैंक में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन इस तरीके के आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देख सकते हो बैंक पीओ का ये क्वेश्चन है, 2011 में ये पूछा गया है। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आपको जो डेटा है उसको आपको फास्ट इंटरप्रेट करना होता है, एनालाइज करना होता है उसको, फिर उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासी संख्या में आपके क्वेश्चंस जो हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको टेबुलेशन के अलावा जो आपके लाइन ग्राफ होते हैं या फिर पाई चार्ट होता है उनके भी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस की यदि मैं बात करूँ तो इस बुक में आपको मिलने वाले हैं लगभग 1000 जो पेजेस हैं इस बुक में आपको होने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी बुक,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये बुक जो है कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये बुक रहेगी और बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए स्पेशली ये बुक जो है हमारी होने वाली है। 16 क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। हर एक चैप्टर से पहले आपको उनके जो 16 एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके वहाँ से क्लियर हो सके। साथ ही में आपको इनकी एक एक्सरसाइज जो है उसमें अच्छे खासे नंबर में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे उनकी आंसर की, और साथ ही में उनके सॉल्यूशन जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ओवरऑल ये जो बुक है एक बेस्ट बुक है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए ये बुक जो है हमारी है। तो ये एक अच्छी बुक है, आप डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।